यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट मंथ मैंने कमाए हैं $7100 जो कि इंडियन करेंसी में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो हो रहा है 580,281 रुपए। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि ब्लॉगर प्लस चैट जीपीटी से टाइपिंग करके आप कैसे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इस पे ऊपर काफी लोगों ने भाई कमेंट किया कि भाई एक डिटेल्स वीडियो बना दो, भले ही 30 मिनट का वीडियो बना दो हम पूरा देखेंगे, लेकिन एक डिटेल्स में वीडियो बनाओ कि इसमें हमें काम कैसे करना है, आर्टिकल रैंक कैसे करना, व्यूज नहीं आ रहे हैं, पेमेंट का प्रोसेस क्या है, और भाई आप थोड़ा सा अपना स्क्रीनशॉट दिखा देने कि आपके जो एडसेंस है वो हमें लाइव देखना है कि भाई आपके एडसेंस में कितना पैसा पड़ा है, आप कैसे एडसेंस अप्रूवल लेते हैं, मैं आज आपको सब दिखाने वाला हूँ। और ये सारे यूट्यूब पर पहली बार हो रहा है कि भाई कोई अपना एडसेंस लाइव चेक करके दिखा रहा है। मैं मतलब कि फ्रेश एडसेंस दिखा रहा हूँ कि भाई अभी कुछ दिन पहले मैंने एक एडसेंस के लिए अप्रूव किया है और उसका जो एडसेंस पिन है वो भाई आने वाला है। अभी मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आपको चैट जीपीटी से टाइपिंग करके ब्लॉगर पे पेस्ट करके अच्छा खासा पैसा कमाना है मंथली विदाउट इन्वेस्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, एआई से लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, मंथली लाखों में खेल रहे हैं और आप लोग भी कमा सकते हैं। इसमें एक भी पैसे खर्च करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, बस आपका काम हो गया। काफी लोगों के मन में बहुत सारे डाउट रहते हैं क्योंकि आप लोग कहते हैं कि भाई आप थोड़ा अधूरा बता देते हैं, आप पूरा वीडियो नहीं बनाते हो, आप एक वीडियो बना दो जिसमें हमें सब कुछ बता दो, हम जितना भी लंबा वीडियो का हम देखेंगे। तो आज जो मैं आपको बता रहा हूँ ना भाई, इतना अच्छा मेथड कोई नहीं बताएगा। आपको ब्लॉगर पे काम करना है, कैसे काम करना है पूरा मेथड बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। एडसेंस के लिए अप्रूवल कैसे करना है ये भी बताऊंगा, वीडियो पे व्यूज कैसे लाने है, सॉरी अपने आर्टिकल पे व्यूज कैसे लाने, उसको रैंक कैसे कराने, सारा मेथड अभी कभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो भाई टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। तो भाई सीधे हम चलते हैं भाई अपने स्क्रीन की तरफ, मतलब कि अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो भाई यहाँ पर मैं अपना लैपटॉप ओपन कर ले रहा हूँ, एक सेकंड जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा OBS स्टूडियो यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब मैं सिंपल यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम पेमेंट प्रूफ की बात करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि मैं आपको अपना एडसेंस दिखाने वाला हूँ जो कि भाई एकदम फ्रेश पड़ा है, और ये एडसेंस मैं सोच रहा हूँ अपने किसी दोस्त को गिफ्ट कर दूँ क्योंकि इस पर मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो भाई चलो चलते हैं एडसेंस की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी एक वेबसाइट है जिसका एडसेंस है, मैं इसका अपनी जीमेल ओपन करके आपको दिखा देता हूँ जिससे कि आपके और भी डाउट क्लियर हो जाए कि हाँ भाई ये एडसेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गूगल एडसेंस है हमारा। एडसेंस के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर मेल्स पड़े हैं। इस पर अभी $50 पड़ा है। देखिए मैं इसको ओपन कर दे रहा हूँ आपके सामने, यहाँ पर लाइव साइन इन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन इन कर रहा हूँ मैं, सब कुछ पेमेंट प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इतना अच्छे तरीके से कोई नहीं बताएगा, विदाउट इन्वेस्टमेंट काम है। अगर आपने आज से स्टार्ट किया ना, आपको 1 से 2 महीने के अंदर इतना अच्छा पैसा कमा सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते। बस आपको टाइम देना पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा खुद के ऊपर कि आप पैसे कमाएंगे। अपना माइंड सेट तगड़ा करो, मतलब कि माइंड सेट को इतना स्ट्रांग बनाओ कि पैसा आपके पास अपने आप आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा फ्रेज है, यहाँ पर $50 अभी पड़े हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैं एक बार रिफ्रेज भी आपके सामने कर दे रहा हूँ जिससे काफी लोग कह रहे थे हो सकता है भाई स्क्रीनशॉट लगा रहे हो आप। देख सकते हैं $50 ये पड़ा है, ये मेरा एक एडसेंस है। और अभी यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपनी साइट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी एक देख सकते हैं मेरी साइट है, मैं नाम दिखा दे रहा हूँ लेकिन साइट से लिंक है, मतलब साइट से लिंक है लेकिन अभी मैं साइट पे काम बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं अभी सब यूट्यूब चैनल पे भेजू, अगर मैं इस पे काम करूँगा इससे बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा। मेरी वर्डप्रेस पे भी साइट है और ब्लॉगर पे भी है। ठीक है, अभी मैं आपको एक और एडसेंस दिखा देता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से भाई कुछ समझ में आ जाए कि भाई सचमुच यार इतना पैसा होता भी है। ठीक है, ये देखो भाई मैं मेल ओपन कर ले रहा हूँ। आप यहाँ पर डेट देख सकते हो 16 अप्रैल को, और यहाँ पर आप देख सकते हो गूगल एडसेंस वेरिफिकेशन, यहाँ पर आपको डेट भी दिख रही है 29 अप्रैल को मैंने यहाँ पर अप्लाई किया था। और भाई ये सब रेडी है, अब इसमें पेमेंट बनने लगा है। ये मेरा एक वेबसाइट है जिसका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मतलब एडसेंस में इतना पैसा आता ना कि आप सोच नहीं सकते, बस आपको कॉपी पेस्ट करना आना चाहिए। अभी हम बात करते हैं कि आपको कॉपी पेस्ट क्या क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आपको ब्लॉगर पे अकाउंट बना लेना है। अगर आपको नहीं आता तो भाई आप किसी भी यूट्यूबर के वीडियो देख लेना कि ब्लॉगर पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल सा फंडा है। मैंने भी बताया था लेकिन वो वाली चैनल मेरी डिलीट हो चुकी है। तो भाई आप किसी का भी अकाउंट देख लेना कि ब्लॉगर पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, सिंपल सी स्टेप है। या फिर अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, आप उसको देख लेना, वहाँ पर भी मैंने बताया कि आपको ब्लॉगर पे अकाउंट कैसे बनाना है। तो भाई हम चलते हैं ब्लॉगर की तरफ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं
यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देखिए यहाँ पे $7100 जो कि हो रहे हैं 5,80,000 रुपये, ये अभी कुछ दिन पहले का स्क्रीनशॉट था जो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। अभी हम चलते हैं सीधे ब्लॉगर पर, ठीक है। और जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ना भाई, ये 100% ओरिजिनल तरीका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपना ब्लॉगर ओपन कर लिया, ये फेक है, मतलब कि एक डेमो अकाउंट मैंने आपको यहाँ पर बनाया था। अब जब आपके यहाँ पे अकाउंट बन जाए तो यहाँ पे सबसे जो प्रोसेस होती है कि आपको सबसे पहले तो आर्टिकल डालने, आपको सबसे पहले यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको नोट कर लेना है कि आपके पास पैसा कैसे आएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्टेप पोस्ट है, स्टेटस पे आपकी व्यूज वगैरह देखे जाएंगे, कमेंट्स, अर्निंग, पेजेस, लेआउट, थीम, ये सब आपको यहाँ पे चेंज कर लेना है जो भी आपको सही लगे। सबसे पहले जो पोस्ट है ना, तो सबसे पहले आपको पोस्ट पे ध्यान देना है, अर्निंग पे ध्यान नहीं देना। सबसे पहले आपको 15 पोस्ट डालने हैं। एक दिन में पोस्ट मत डालना, आप लोग सोचिए एक दिन में 15 डाल देने, ऐसा नहीं है। आपको ये आपको 10 से 15 दिन लगेगा एडसेंस के अप्रूवल के लिए। सबसे पहले आप 15 से 20 पोस्ट डालो, मैं तो कहूँगा 20 से ज़्यादा डालो। 20 पोस्ट डालने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपको एडसेंस के लिए अप्रूव करना है। अब आपको लगेगा कि भाई व्यूज नहीं आएंगे, अप्रूवल मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। भाई मुझे भाई 9 आर्टिकल पे अप्रूवल मिल गया था, मैंने सिर्फ 9 पोस्ट की थी और मुझे अप्रूवल मिल गया था एडसेंस की तरफ से। बिल्कुल भी व्यूज नहीं आ रहे थे, 50-60 आ रहे थे बस। अब भाई व्यूज कैसे लाना है सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए अभी मैंने उस दिन आर्टिकल डाला था, पब्लिश नहीं किया था, इस पर देखिए 0000 व्यूज, क्योंकि पब्लिश नहीं। अभी व्यूज लाने का सबसे जो सिंपल सा तरीका होता है वो होता है टैग और आपका टाइटल, आपका कीवर्ड, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो। इसमें आपको दिमाग नहीं लगाने, सब आपको चैट जीपीटी दे देगा। अभी हम बात करते हैं कि आपको ब्लॉगर पे काम कैसे करना है। देखिए सबसे पहले वो आपको एक अच्छा सा टॉपिक सिलेक्ट कर लेना कि आपको किस फील्ड में काम करना है। जैसे अभी आप जो चैनल पे हैं अर्न विद विराट अलमसी, तो यहाँ पे सिर्फ अर्निंग रिलेटेड कंटेंट आता है, इसका मतलब मेरी जो टॉपिक है, मेरी जो नेचर है वो है अर्निंग से रिलेटेड। तो आपको ऐसे ब्लॉग पे काम करना है, या तो आपको हेल्थ पे काम करना है, या फिर आपको टेक्नोलॉजी पे काम करना है, या फिर आपको ट्रेंडिंग न्यूज पे काम करना है, जिस पे भी आपको काम करना है। जैसे कि मान लो आपको हेल्थ पे काम करना है, तो आपको सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड ही पोस्ट डालने हैं। अगर आप कुछ भी पोस्ट मत डालना, तो जैसे एल्गोरिथम आपकी ना पकड़ लेती है, गूगल समझ जाता है अच्छा ये हेल्थ की वेबसाइट है, तो वो जल्दी जल्दी रैंक कराता है। अब जस्ट एग्जांपल के लिए आपने एक पोस्ट, जैसे आपने हेल्थ को रिलेटेड एक ब्लॉगर पे साइट बना ले, आपको न्यू पोस्ट पे जा रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे थे इसके लिए भाई आपको डोमेन की ज़रूरत है, होस्टिंग की, भाई इसमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है, वो सब आप बाद में कर लेना। जब आपका पैसा आने लगे, आप पे बहुत व्यूज आने लगे, तो भाई इससे आप वर्डप्रेस में शिफ्ट हो जाना, वहाँ पे बहुत सारे तरीके होते हैं पैसे कमाने के। लेकिन अगर आप अभी स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं फ्री में, तो भाई ब्लॉगर बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आपका जब अकाउंट बन जाए, तो पहली पोस्ट आप लिख रहे हैं क्या करना है। देखिए आपको जाना है चैट जीपीटी पे, चलते हैं भाई चैट जीपीटी, जो कि हमारा बेस्ट टूल है, इससे ही सारा काम हो रहा है, इससे ही लोग भाई लाखों डॉलर कमा रहे हैं भाई, अनलिमिटेड अर्निंग कमा रहे हैं भाई। मैंने इसके इतने मैथड बता दिए कि आप लोग सोच नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा। यहाँ पे मेरा सीजन एक्सपायर है, तो चलो भाई मैं इसको थोड़ा सा लॉगिन कर ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी सीजन एक्सपायर कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा लॉगिन हो रहा है, जब तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, इतने अच्छे तरीके से भाई कोई नहीं बताता। और अगर आप यूट्यूब चैनल पर काम करना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करना है, तो भाई क्रिएटर विराट अरवंती वाली चैनल सर्च कर लो, वहाँ पर ज्वाइन कर लो, वहाँ पर सारे अपडेट दूंगा कैसे आपको अपने चैनल को ग्रो करना है। आप देखिए यहाँ पर चैट जीपीटी ओपन हो गया, आपने यहाँ पे हेल्थ पे काम करना, तो हेल्थ पे आपको कम से कम 25 आर्टिकल लिख लेने हैं अपने ब्लॉगर पे, 25 पोस्ट कर देने हैं, फिर आपको एडसेंस के लिए अप्रूव करना। देखिए पहली स्टेप है, आपको मिनिमम 20 से 25 पोस्ट डालने हैं। जब तक मतलब पहली स्टेप बता रहा हूँ आपको क्या करना है, पहले 20 से 25 पोस्ट डालने हैं, फिर आपको दिमाग में लाना है पैसे, ठीक है। 20 से 25 पोस्ट आप 5 से 6 दिन के अंदर डाल देना, इसमें उसको रैंक कैसे कराना है वो भी। अब पहली पोस्ट लिखना है, तो सबसे पहले हमें जो हमारी टॉपिक है हेल्थ, तो हेल्थ रिलेटेड 50 आइडिया यहाँ पे देते हैं, तो ठीक है हेल्थ रिलेटेड 50 आइडिया, 4 आर्टिकल, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाल दिया और मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, यहाँ पे 15 आर्टिकल्स आ जाएंगे। देखिए द बेनिफिशियल और रेगुलर एक्सरसाइज फॉर ओवर हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है वेलबींग। तो यहाँ पे देखिए 50 टॉपिक्स आ रहे हैं, अभी मैं उसको स्टॉप कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे 50 नहीं चाहिए यहाँ से। अब आपको क्या करना है, आपको जो 50 मिल जाएंगे, तो आपको 25 की ज़रूरत है स्टार्टिंग में, तो आपको सिंपल क्या करना है, एक उठा लेना, ठीक है। ये देखो भाई मैंने एक उठा लिया, यहाँ पे नीचे वाला सिंपल एंड इफेक्टिव वे टू इम्प्रूव योर डाइट फॉर बेटर हेल्थ, सिंपल आपको ये कॉपी करना है, चैट जीपीटी पे इसको सॉरी पोस्ट कर देना है, यहाँ पे पेस्ट करके आपको यहाँ पे एंटर करना है, गिव राइट अ आर्टिकल, ठीक है, राइट अ आर्टिकल इन 500 वर्ड्स, ठीक है।
अब देखिए भाई, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं भाई, पूरा आर्टिकल लिख के मुझे दे दे रहा 500 वर्ड पे। अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आर्टिकल ये जो लिख के देगा ये AI वाला होता है, तो इसमें प्लैगरिज्म बहुत ज़्यादा होता है। तो अब आपको इसको AI फ्री बनाना है, क्योंकि ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिख रहा है ना, ये गूगल पकड़ लेगा कि भाई ये तो तुमने ChatGPT से लिखा है। तो अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले जो मैंने बताया था ब्लॉगर प्लस ChatGPT पे, वहाँ पे मैंने एक तरीका बताया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा, कि भाई इसको कैसे AI फ्री बनाते हैं, मतलब एज अ ह्यूमन बनाते हैं। तो भाई वो कैसे बनाना है, चलो भाई वो बता दें। अब इसको यहाँ पर लिख देना है, मैं राइट दिस आर्टिकल एज अ ह्यूमन। देखिए रीजनरेट कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एज अ ह्यूमन लिख के आ रहा है, अब मतलब कि ये AI पकड़ेगा तो ये कम आएगा, क्योंकि एज अ ह्यूमन की तरह लिख के दे दे रहा, सब ChatGPT दे रहा है, ठीक है। अभी भी आपको बहुत कुछ करना है, आपको प्लैगरिज्म चेक करना है, इसको ह्यूमन फ्री बनाना है, AI डिटेक्टर से बचाना है, अभी बहुत सारे मेथड हैं। आप लोग गलती क्या कर रहे हैं, सीधे कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं, जो आपको नहीं करना, ठीक है। अभी मैं इसको स्टॉप कर दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा जाएगा, आप लोग परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे अब आपके पास ये आर्टिकल आ जाएगा, फिर आपको क्या करना है, आपको जाना है, एक है बेसिक स्पिन, एक एप्लीकेशन है उस पर जाना है आपको, स्पिन बॉट, ठीक है, स्पिन बॉट ये आ गया, देखिए भाई स्पिन बॉट हमारा, ठीक है, यहाँ पर आ गए। सिंपल इसको कॉपी कर लेना है, ये देखो जो भी लिखा है, ये देखिए पूरा आपको ये कॉपी कर लेना है, ये देखिए ये कॉपी कर लिया, स्पिन बॉट पे आना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है और उसका बेसिक स्पिन कर देना। ये देखिए बेसिक स्पिन में क्या होता है, ये नया आर्टिकल जनरेट हो जाता है, ये देखिए ये आर्टिकल आ गया आपके सामने नया। सिंपल आप इसको ऐसे कॉपी कर लेना है, कॉपी करने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आर्टिकल ये लिखा है ना, इसको इससे छेड़छाड़ करनी है, इस वाले से, ये जो दूसरे साइड आया है ना नया, इससे छेड़छाड़ करनी है। इसमें क्या छेड़छाड़ करनी है, इसको इसमें कुछ वर्ड चेंज कर देने हैं, कुछ लाइन हटा देनी है, कुछ अपने साइड से जोड़ देनी है, ये सब आपको करना है। जैसे यहाँ पे है 8 है तो मैं इसको इतना हटा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे फॉर्चून लगा दे रहा हूँ, कहीं पे कॉमा नहीं है तो यहाँ पे कहीं पे कॉमा लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लाइन्स हैं ऑन अदर साइड, यहाँ पे कुछ ये हटा दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब कुछ लाइन्स आपको हटा देना है, कुछ आपको छेड़छाड़ कर देनी है, जिससे ये एज अ ह्यूमन लगे। और आप कम से कम नहीं, इसमें 10 या 15 लाइन अपनी तरफ से ऐड कर देनी है, बीच में, आगे पीछे, हर जगह पे थोड़ी थोड़ी सी लाइन्स ऐड कर देनी है, 5 से 10 मिनट का काम है। उसके बाद ये आपका आर्टिकल है ना, जैसे यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे ये हटा दे रहा हूँ, एस यहाँ से इतना से ये हटा दे रहा हूँ, ठीक है, और देखिए मैं यहाँ से कुछ और हटा दे रहा हूँ, जिससे कि ये एज अ ह्यूमन लगे, ठीक है। उसके बाद आपको ये कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद आपको जाना है प्लैगरिज्म फ्री पे, ये देखिए एक है, ये है प्लैगरिज्म चेकर, आप पे उस पे जाना है। प्लैगरिज्म चेकर पे जाने के बाद इसको आपको चेक करना है, यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट चेकर आ गया, आप यहाँ से प्लैगरिज्म को चेक कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको ले जा रहा हूँ नीचे, ठीक है, अभी मैं आपको सब बताऊंगा। देखिए यहाँ पे आपको प्लैगरिज्म चेकर पे जाना है, उसके बाद I am not robot, ये सब फ्री टूल है जितने भी मैंने आपको बताए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको चेक प्लैगरिज्म कर देते हैं। अगर इसमें कहीं पर ये कहीं से कॉपी है तो ये बता देगा, अगर आपका यहाँ पे 80% भी यूनिक आ रहा है तो आप इसको पब्लिश कर सकते हैं गूगल पे, गूगल कहता है 80% तक चल जाता है, क्योंकि थोड़े बहुत तो वर्ड यहाँ मैच हो ही जाते हैं, ठीक है। तो 80% तक अगर ये यूनिक आ रहा है तो आप इसको ऐसे ही अपलोड कर सकते हैं, लेकिन इसको AI डिटेक्टर से बचाना है, वो मैंने आपको तरीका बता ही दिया। कुछ वर्ड आपको चेंज कर देने हैं, कुछ आपको अलग से जोड़ देने हैं, कुछ लाइन्स हटा देने, कहीं कहीं पे कॉमा लगा देना है, जिससे AI डिटेक्टर फ्री हो जाएगा। तो जब तक यहाँ पर ये स्कैन हो रहा है, तब तक मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूँ, सबसे पहले आपको सुनना है, सुनना है क्या, देखिए जब आपका यहाँ पे आर्टिकल रेडी हो जाएगा, आपने 20 आर्टिकल डाल दिए, फिर आपको एडसेंस के लिए अप्रूव करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको 2 मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। पहली मिस्टेक आपको ये करनी है, मतलब नहीं करनी है, कि आपको उसी मेल से अपना एडसेंस नहीं बनाना, आपको एकदम फ्रेश मेल से एडसेंस बनाना, क्योंकि एक इंसान का एडसेंस जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है, ये बहुत बड़ी बात होती है, मतलब कि जिंदगी में सिर्फ एक ही बार एडसेंस बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 100% यूनिक आर्टिकल आ गया, तो अभी हम जिस टॉपिक पे थे तो उस पर अभी हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100% यूनिक आ गया हमारा आर्टिकल, तो हम इसको कॉपी, जैसे हमारा कॉपी था तो है ही कॉपी, अब इसको हम डायरेक्ट पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन हमें डायरेक्ट पब्लिश नहीं करना, हमें जाना है AI डिटेक्टर पे, तो हम जाएंगे AI डिटेक्टर, ठीक है, AI डिटेक्टर, ये आ गया AI डिटेक्टर, ठीक है, AI डिटेक्टर पे हमें चेक करना है, तो हम जाते हैं यहाँ पे AI कंटेंट डिटेक्टर पे, क्रॉस प्लेक्स, ये काफ़ी तगड़ा लगा मुझे, ठीक है, और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है। यहाँ पे सिंपल साइनअप कर दूँ, साइनअप होते ही ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओपन हो गया, यहाँ पे मैं साइन इन कर ले रहा हूँ। जब तक आप लोग इसको फ्री यूज कर सकते हैं, बिल्कुल भी पैसे देने की इसको ज़रूरत नहीं है, सब फ्री है भाई, जितने भी AI टूल्स आ रहे हैं ना ज़्यादातर फ्री आ रहे हैं, बिल्कुल एकदम फ्री, ठीक है। अब देखिए भाई ये ओपन हो गया, अब मैं इसको चेक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से कहीं से चेक होता है, मैं एक बार देख लेता हूँ,
हाँ ये देखिए ये आ गया है, मैं यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे कितना एआई आ रहा है, कितना एज ए ह्यूमन आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एआई कॉन्टेक्ट, यहाँ पे दिस टेस्ट मैनली रिटन बाई ह्यूमन, आप देख सकते हैं मैं जूम कर दे रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस टेक्स्ट इज मैनुअली रिटन बाई अ ह्यूमन। तो यहाँ पे बताया कि ये इंसान द्वारा लिखा गया है। अब हमारा एक यूनिक आर्टिकल रेडी है, इसको अब आपको क्या करना है, सिंपल पोस्ट पे जाना है, नीचे यहाँ पे ये आपको पेस्ट कर दें। ये देखिए हमारा आर्टिकल रेडी हो गया भाई, सिंपल। अब आपको यहाँ पे आपको टाइटल चाहिए, एक अच्छा सा टाइटल, ठीक है। तो हमें जाना है चैट जीपीटी पे, हमें यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे इस जगह पे हमें लिखना है, ठीक है, राइट अ एसईओ फ्रेंडली टाइटल, ठीक है, राइट एसईओ फ्रेंडली टाइटल फॉर ब्लॉग्स, ठीक है। अब मैं इसको सेव एंड सबमिट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आर्टिकल दे गए, देख यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे इसने एक अच्छा सा मुझे टाइटल दे दिया, 10 सरप्राइजिंग बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिसिंग मिड फुलनेस एवरी डे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अच्छा सा आर्टिकल आ गया हमारे पास, सॉरी टाइटल आ गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर आपको ये यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर देना, ये देखिए भाई हमारे ये भी पोस्ट है। अब आपको यहाँ पे क्या देना है, आप देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आता है भाई टैक्स वगैरह, मतलब हेडलाइंस वगैरह। तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक क्या करना है, आपको यहाँ पे लिख देना है क्वारी सॉल्व, ठीक है। ये देखिए भाई आपको यहाँ पे लिख देनी है क्वेश्चन सॉल्व या फिर क्वारी सॉल्व, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये देखिए क्वेश्चन सॉल्व इन दिस आर्टिकल, क्वेश्चन सॉल्व इन दिस आर्टिकल, इन दिस। आपको ये स्टार्टिंग में करना, जब तक आपके में ट्रैफिक नहीं आता है, जब आपके में ट्रैफिक आने लगे तो ये आपको हटा देने हैं, ये सब जितना भी आर्टिकल है ये एडिट करके, ये जो मैं आपको बता रहा क्वेश्चन सॉल्व इन दिस आर्टिकल, ये आपको हटा देने हैं, क्योंकि ये यूट्यूब अलाउ नहीं, सॉरी ये गूगल अलाउ नहीं करता है, ठीक है, ब्लॉगर मतलब हमें अलाउ नहीं करता, लेकिन इससे ना आपका आर्टिकल जल्दी रैंक होगा। अब यहाँ पर टैक्स चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसको जाके यहाँ पर गिव मी टैक्स, ठीक है, गिव मी कीवर्ड, गिव मी टैग्स या फिर टैक्स, ठीक है, टैग फॉर आर्टिकल, आर्टिकल, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब इसको एंटर कर देना है, गिव मी टैग्स फॉर आर्टिकल। ये देखिए ये आ गया हमारे आर्टिकल्स के लिए टैग्स, आप इसको कॉपी करो, सिंपल इसको यहाँ पर जाओ, यहाँ पे पेस्ट कर दो। ये देखो भाई हमारे यहाँ पे हो गए क्वेश्चन सॉल्व इन दिस आर्टिकल, ये भाई हमारा रेडी हो गया। अब आपको यहाँ पे इंटरलिंकिंग करनी है, मतलब कि बैकलिंक बनाने हैं, और यहाँ पे भाई लिंकिंग जरूरी है। तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे जाना है, सर्च करना है, यहाँ पे जो भी आपका टाइटल था, देखिए हमारा टाइटल था यहाँ पे क्या था, ये रहा हमारा टाइटल, ठीक है। टाइटल को आपको यहाँ पे सर्च करना है, ये देखो भाई हम टाइटल को कॉपी किए, सिंपल यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर दिए, हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, ऊपर की जो भी वेबसाइट आ रही है इस पे जाना है, इनका लिंक कॉपी करके यहाँ पे हमें इंटरलिंक है। यहाँ पे देख सकते हैं भाई वेब स्टोरी, भाई वेब स्टोरी से बहुत पैसे ये लोग कमा रहे हैं, आप देख सकते हैं टोटल वेब स्टोरी आ रही है यहाँ पर, आप देख सकते हैं शायद वेब स्टोरी नहीं है, हाँ ये देखिए आर्टिकल आ गया, सिंपल इसको ऐसे कॉपी करो, इसको यहाँ पे आर्टिकल्स में लगा दो, ठीक है, या इसको लिंकिंग कर दो, ठीक है, इससे लिंकिंग कर दो, बस हो गया आपका काम भाई, इसके अंदर आर्टिकल लिंकिंग कर दो और सिंपल भाई पब्लिश कर दो। देखिए यहाँ से भाई आपको टैक्स ज़्यादा नहीं लगाने, यहाँ पे देख सकते हैं कन्फर्म पोस्ट, मैं यहाँ पे सिंपल पब्लिक कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो पोस्ट थी भाई ये यहाँ पे पब्लिक हो गई है, इसमें आप इमेजेस भी अच्छी लगा सकते हैं, देख सकते हैं पहली पोस्ट मैंने आज पब्लिश की। जब आपका ये काम हो जाए, आपको 20 से 25 यहाँ पे पोस्ट करनी है, जैसे मैंने आपको तरीका बताया, फिर आप जब आपकी 20 से 25 पोस्ट हो जाएंगे, फिर आपको जाना है अर्निंग पे, ठीक है। अब एक बंदा कह रहा था भाई पेपल से अर्निंग आएगी, तो भाई पेपल से नहीं आती है, ठीक है। ये देखिए भाई अर्निंग, आपको क्रिएट एडसेंस पे जाना है, जब आप क्रिएट एडसेंस पे जाएंगे तो आपके सामने एक पेज आता है एडसेंस का, वहाँ से आपको अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाना है बहुत सिंपल होते हैं। आप बस क्रिएट एडसेंस, बस आपको ध्यान रखना है 20 से 25 पोस्ट के बाद ही आप क्रिएट एडसेंस पे जाना है। जैसे कि चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ डेमो के लिए, आप जब क्रिएट एडसेंस पे जाएंगे आपके सामने इस टाइप का एक साइनअप पेज आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल, यहाँ पर आपको लिख देना है आई डोंट हैव, हाँ यहाँ पर साइट आपको डाल देनी है, ठीक है। तो ये नहीं, आपको ये स्किप कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे नो, यहाँ पर लिख देना है नो, ठीक है, कि आप पहली बार कुछ कर रहे हैं, यहाँ पे आपको एडसेंस से रिलेटेड कुछ भी सजेशन नहीं चाहिए। आप यहाँ पे पेमेंट की जो अभी आपकी कंट्री है वो आपको डाल देनी है इंडिया, इससे आगे मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि भाई मुझे इससे नहीं बनाना है, मेरे ऑलरेडी बहुत सारे बने हैं। आपको यहाँ पे आई हैव एग्री कर देना, स्टार्ट यूजिंग एडसेंस कर देना, अंदर जाके आपको बेसिक डिटेल्स पूछी जाएगी, आपको रियल नाम डालना जो आपके पैन कार्ड में हो, आपके मम्मी का नाम यूज कर सकते हैं, पापा का नाम यूज कर सकते हैं, जो पैन कार्ड में हो, बस आपका एडसेंस यहाँ पे रेडी हो जाएगा। एडसेंस का प्रोसेस क्या है, चलो भाई वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये मैं आपके लिए कर सकता हूँ, जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ भाई वो बिल्कुल करूँगा। यहाँ पर अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले मैंने एडसेंस के लिए अप्लाई किया था, चलिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं, जब आप एडसेंस के लिए मतलब अप्लाई करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 16 अप्रैल को यहाँ पे अप्लाई किया था, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा यहाँ पे इस टाइप की मेल आएगी। तो आपकी जब मेल बन जाए तो आपका देखिए मैं एडसेंस अपना ओपन कर दे रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि आप मेरा एडसेंस सचमुच है, मैं कुछ फेक नहीं बता रहा हूँ। बहुत सारे एडसेंस मेरे बन जाते हैं, एडसेंस बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा एडसेंस ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप भी देख सकते हैं इसमें 00 अर्निंग है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे वेरीफाई एड्रेस मांग रहा है, मतलब कि मेरा एडसेंस का जो पिन है वो आ रहा है। जैसे मैं वो पिन यहाँ पे डालूंगा, यहाँ पे मेरा बैलेंस शो करने लगेगा। ये रूल होता है एडसेंस का, वरना आप लोग बाद में परेशान हो कि हमारा जो बैलेंस है वो शो नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है जो मैंने आज आपको बताया। उसके बाद यहाँ पे जो पेमेंट कैसे आता है, तो भाई वो मैं आपको बता दूँ। जब आपका एडसेंस यहाँ पे है, जब जो आपका एडसेंस में यहाँ पे जितना भी डॉलर बनेगा, जब फर्स्ट 100 डॉलर बन जाएगा, देखिए मैं आपको यहाँ पे पेमेंट पे ले चलता हूँ, पेमेंट इन्फॉर्मेशन पे थोड़ा सा आपको बेसिक समझा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा एडसेंस ओपन हो रहा है। जब आपको 100 डॉलर यहाँ पे जो ये लाइन देख रही है ना आपको, ये वाली जो लाइन, यहाँ पे 100 डॉलर जब आपके हो जाएंगे तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन के लिए आता है बैंक ऐड, ऐड बैंक, ठीक है। आपको ऐड बैंक में जाके अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है, बस आपका पेमेंट हर महीने की 27 तारीख तक आपके बैंक में आ जाता है। मतलब 21 तारीख को यहाँ पे एडसेंस आपका रिलीज करते हैं और 21 से 27 के बीच में आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस होता है। अब प्राइवेट बैंक यूज करना है, जिसमें आपका एक होता है IFC कोड होता है और एक होता है स्विफ्ट कोड, वो होना चाहिए। और आपका जो पेमेंट है 100 डॉलर के बाद ही सेंड किया जाता है, ये आपको दिमाग में रखना है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था कि मैंने ये 50 डॉलर पड़े हैं यहाँ पर, ये 50 डॉलर इसलिए विड्रॉ नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पर जब ये 100 डॉलर हो जाएंगे तभी ये मेरा विड्रॉ हो सकता है, वरना ये विड्रॉ नहीं होगा। ये होता है पूरा तरीका। और अगर आपको कोई भी डाउट आए मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। और अदर चैनल मेरी ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं जो ट्रिक बताता हूँ वो 100% ओरिजिनल ट्रिक बताता हूँ। मिलता है भाई नेक्स्ट वीडियो।